नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने बीएसटीसी का एग्जाम दिया और उसे लेकर कोई कंफ्यूजन है तो डेफिनेटली इस वीडियो से आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ये वीडियो आपके लिए होने वाली है महत्वपूर्ण। इसमें हम कट ऑफ मार्क्स की चर्चा करेंगे, काउंसलिंग प्रक्रिया की भी, और साथ में बीए बीएड और बीएसटीसी में से कौन सा बेटर है इस पर भी डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ बीएसटीसी के साथ क्या बीए प्राइवेट कर सकते हैं, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, जिससे कि बीएसटीसी और अन्य शिक्षक भर्तियों से संबंधित ताजा अपडेट आप तक पहुंचते रहे। तो फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं कट ऑफ को लेकर, कि कट ऑफ क्या रह सकती है, बीएसटीसी की कट ऑफ क्या रही थी पिछले साल और अब क्या रहने वाली है। आपके 300 या उससे मोर, यानी 300 या अधिक मार्क्स है तो आपको डेफिनेटली काउंसलिंग करवानी चाहिए। उससे कम वाले भी आप काउंसलिंग करा सकते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। 3000 रुपए का आपको एक चालान जनरेट करना है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो उसमें से सिर्फ बैंक चार्जेस 100-200 रुपए काटकर आपको वापस भेज दिए जाएंगे, इसलिए काउंसलिंग के मामले में कोई रिस्क नहीं ले। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इश्यू है कि बीएसटीसी और बीए बीएड या बीए करने में कौन सा आपके लिए बेटर ऑप्शन है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अगर आप तुरंत ही 1 या 2 साल में तैयारी करके शिक्षक बनने की लाइन में केवल जाना चाहते हैं तो बीएसटीसी आपके लिए बेटर ऑप्शन है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं, किसी बड़े पद के लिए तैयारी कर रहे हैं, या सिविल सर्विस वगैरह आप एक साथ अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो उसमें बीए बीएड आपका इंटीग्रेटेड जो कोर्स है वो आपके लिए बेटर है, या आपकी अपनी चॉइस पर निर्भर करता है कि आप बीए बीएड करना चाहते हैं या बीएसटीसी। बीएसटीसी के साथ क्या हम बीए भी कर सकते हैं, ये सवाल जो है वो कई सालों से लोगों के दिमाग में घूम रहा है। तो इसको लेकर पूरा क्लेरिफिकेशन हो चुका है। बीएसटीसी डिप्लोमा के साथ में आप बीए प्राइवेट कर सकते हैं और वो लीगल है। डेफिनेटली आप बीए कर सकते हैं, बशर्ते कि वो प्राइवेट हो। और बीएसटीसी आप रेगुलर कर सकते हैं, वो एक डिप्लोमा कोर्स है, तो डिप्लोमा के साथ एक डिग्री जो है वो मान्य है। तो बीएसटीसी के साथ बीए करने का जो सर्कुलर है, अगर वो आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, उसमें मैं आपको ये जो सर्कुलर है वो उपलब्ध करा दूंगा। एक और चीज जो अभ्यर्थी बता रहे हैं कि हमारे मार्क्स कम हैं, या कुछ कह रहे हैं कि मेरे ज्यादा मार्क्स हैं, क्या मैं फर्स्ट काउंसलिंग में हिस्सा लूं, तो डेफिनेटली मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप फर्स्ट काउंसलिंग में जो है वो पार्टिसिपेट करें। उससे आपके चॉइस का कॉलेज मिलने की संभावनाएं बेटर रहती है। अगर आपका स्कोर अच्छा है, आपका कमजोर स्कोर होने पर आपको कॉलेज दूर आवंटित हो सकता है, लेकिन पहली काउंसलिंग के बाद दूसरी काउंसलिंग के समय आपसे अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन जो मांगा जाता है, तो वो चॉइस जिसमें आपको आप पहले से बेटर कॉलेज अगर चेंज करना चाहते हैं तो उसका विकल्प आपको खुला रखना चाहिए, जिससे नेक्स्ट काउंसलिंग में आपको पहले से बेटर कॉलेज मिल सकता है। इसलिए काउंसलिंग को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं करें, कोई रिस्क नहीं लें, आप फर्स्ट काउंसलिंग से ही रजिस्ट्रेशन करवाएं और काउंसलिंग में हिस्सा लें। बीएसटीसी कॉलेज चॉइस करते समय एक ऑप्शन आता है एनीवेयर इन राजस्थान। सबसे बड़ा कंफ्यूजन इसको लेकर रहता है कि आपने 20-30-50 कॉलेज अपनी चॉइस की ले ली, उसके बाद आपको ये कंफ्यूजन होता है कि राजस्थान में कहीं भी ये ऑप्शन चॉइस करूं या नहीं करूं। तो डेफिनेटली जिनका स्कोर कम है उन्हें ये करना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें अपनी चॉइस की कॉलेज कई बार नहीं मिल पाती है। अपवर्ड मूवमेंट का मैंने बताया, अपवर्ड मूवमेंट के समय आपका कॉलेज चेंज होने के चांस होते हैं। अगर आपका स्कोर अच्छा है तो सेकेंड काउंसलिंग में आपका कॉलेज चेंज हो सकता है। सबसे पहले आप गवर्नमेंट कॉलेज चॉइस कीजिए, डाइट आपके जो जिले का डाइट है वो लीजिए। इसके बाद में कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और हैं, जयपुर में सिविल लाइंस वगैरह में 1-2 इंस्टीट्यूट है। इसके अलावा हर जिले में डाइट है, तो डाइट सबसे प्रेफर कीजिए, सबसे बेस्ट होते हैं, वहां पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके बाद अपने एरिया के सर्कुलर एरिया के 50 किलोमीटर परिधि तक के सारे कॉलेज स्टेप बाय स्टेप भर दीजिए। तो वीडियो आपको पसंद आई होगी, आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, जिससे उनके भी कंफ्यूजन दूर हो। अगला वीडियो जो है वो काउंसलिंग से संबंधित स्टेप बाय स्टेप जो काउंसलिंग है और चालान जनरेट करने की प्रक्रिया, वो लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। इसलिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं।